हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो सबसे पहले आप ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा है, देखने से ही लग रहा है। और ये देखिए इसके अंदर की स्टफिंग। और यकीन मानिए, ये डोसा बना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, बिना किसी झंझट के। और आज हम ये डोसा बनाएंगे बेसन से। तो बेसन का चीला तो बहुत आपने खाया होगा, एक बार इस तरीके से बेसन का डोसा बना के खाइए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो इस डोसे को बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 1 कप बेसन। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, जिससे कि जो डोसे का कलर है वो बहुत अच्छा आए। तो आधा छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम डाल देंगे हल्दी। और डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर रेडी करेंगे, जिस तरीके का डोसे का बैटर होता है। तो ध्यान रखें एक साथ सारा पानी ना डालें, नहीं तो बेसन में गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से हमें बेसन को फेंटना है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और अब इसमें हम और पानी डालेंगे क्योंकि अभी ये काफ़ी थिक है। और इसे फिर से अच्छी तरीके से फेंटेंगे। और ये बैटर हमारा रेडी है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो 1 कप बेसन लिया था मैंने, इसमें 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। ध्यान रखें एक साथ पानी नहीं डालना है। और अब हमें क्या करना है, क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए हमें इस बैटर को अच्छे से फेंटना है 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए, इस बैटर को मैंने इसी तरीके से लगातार चलाते हुए फेंट लिया है। और आप देख सकते हैं हल्का सा फ्लफ़ी हो गया है ये। इस तरीके का बैटर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कम से कम 2 मिनट तक तो आपको इसे फेंटना है, जिससे कि जो डोसा है वो एकदम क्रिस्पी बने। अगर आप इसे नहीं फेंटेंगे तो डोसा बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। और अब हम बनाएंगे डोसा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डोसा तवा गरम करने के लिए रख दिया है। और गैस है लो टू मीडियम फ्लेम पे, हल्का गरम होना चाहिए तवा, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अब इसके सेंटर में बिल्कुल हम डालेंगे ये बैटर और इसको इस तरीके से घुमाएंगे जिस तरीके से नॉर्मली सारे डोसे बनाते हैं। थोड़ा सा पतला ही बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है इसको। इस तरीके से इसे फैला लेंगे और फिर हम कर देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम पे। और बस थोड़ी देर के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर साइड में और इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं बटर यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो बटर को हमें चारों साइड अच्छे से लगा लेना है और बहुत जल्दी ये डोसा बनके रेडी हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट इसको फेंटने में लगते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस फेंटें और फटाफट से डोसा बनाएं। और हल्का सा सिकने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये मसाला। तो इस मसाले को रेडी करने के लिए आपको लेना है आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं आधा छोटी चम्मच। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक स्वाद अनुसार और नॉर्मल नमक डालेंगे वो भी स्वाद अनुसार। चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मसाला बन के रेडी हो जाएगा। तो मसाला डालने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। इस तरीके से चारों साइड से फैला लेंगे जैसा आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है प्याज, थोड़ी ही डालनी है। साथ ही में डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो जब आप टमाटर को काटेंगे ना, तो जो उसके अंदर का सॉफ्ट वाला पार्ट है ना, उसको निकाल लेना है और फिर बिल्कुल बारीक कट करने हैं टमाटर को। तो टमाटर भी इस तरीके से डालेंगे जैसे हमने प्याज को डाला है। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरीके से ग्रेट करके पनीर। तो आप इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न का यूज़ भी कर सकते हैं आप इस डोसे में, और चाहें तो थोड़ा सा ग्रेट करके चीज़ भी डाल सकते हैं, जैसा भी आपको टेस्ट पसंद हो। तो इस तरीके से पनीर डाल देंगे चारों साइड। और लास्ट में हम डालेंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और बस थोड़ी देर तक और इस डोसे को सिकने देंगे जिससे कि ये क्रिस्पी हो जाए। और ये देखिए, थोड़ी देर के बाद ये डोसा बनके हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं देखने में ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। तो इसी तरीके से बाकी सारे डोसे बना लेंगे। दूसरा डोसा जब आप बनाएंगे तो तवे को बस नॉर्मल कपड़े से आपको साफ़ कर लेना है, पानी के छींटे नहीं लगाने हैं।
तो जल्दी से आप इस डोसे को बनाइए और खाइए, और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं इसे सर्व करूँगी हरे धनिया की चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ। आप इसे नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। तो हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।